हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी भाई। आज की क्लास के अंदर हमें क्वेश्चन नंबर 2 करना है और क्वेश्चन नंबर 3 करना है अपनी बुक का। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में डिफरेंस बात ये है कि यहाँ पर डेटर्स अलग 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 दे रखे हैं। मतलब ये डेटर्स ये है, ये डेटर्स ये है, एक ए डेटर्स है, एक बी डेटर है, एक सी डेटर है, एक डी डेटर, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है। बाकी सब तो वही है दोस्त, ए डेटर है, बी डेटर है, सी डेटर है, ई डी ई ई सी और डी डेटर है। तो इनकी अलग अलग ट्रांजेक्शन अलग अलग अमाउंट बनाकर अलग अलग ट्रांजेक्शन पूर्ण करना है, और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। इन सबके डिफरेंट अकाउंट बनाने हैं और डिफरेंट जो भी इनके रिलेटेड ट्रांजेक्शन है उसी आ जाएगा पूर्ण कर देना है। पढ़ते एक बार, कहता है समरेश कीप हिज लेजर ऑन सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम। समरेश अपने लेजर को सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम से रिपोर्ट करता है। From the flowing particular, you are required to write up the individual debtor account and general ledger assessment account in the sale ledger. In the sale ledger का मतलब क्या? Sale क्या होता है? Debtor ledger. In the debtor ledger में general ledger assessment बनाना है और individual debtor ledger बनाना है। General ledger के अंदर क्या बनता है? Debtor ledger के अंदर general ledger assessment बनता है और general ledger के अंदर debtor ledger assessment account बनता है ना। तो यहाँ पर general ledger के अंदर अलग-अलग debtor ledger assessment account बनाना पड़ेगा और डेटर लेजर के अंदर एक ही जनरल लेजर इसमें अकाउंट बनाना पड़ेगा ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2015। अलग अलग एक अप्रैल को अलग अलग सबके बैलेंस दे रखे हैं। तो सबसे पहले तो मैं अकाउंट मेंटेन करूंगा आज की क्लास के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। आज की क्लास के अंदर दो ही क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेक्टर का कांसेप्ट चालू कर देंगे। देखिए सर, जैसे मैं आपको सिखाऊंगा वैसे करेंगे। नहीं डालेंगे पहले इन द बुक्स ऑफ In the books of Samrace, in debtor ledger, मतलब in sale ledger बोल सकते हैं, in sale या फिर debtor ledger, in sale या फिर debtor ledger लेंगे जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। जनरल लेजर एडजस्टमेंट्स अकाउंट, जनरल एडजस्टमेंट अकाउंट, एक मिनट वहां इसमें थोड़ा करीब जगह छोड़ना, करीब यहां तक, मतलब आप इसकी 50 से ज्यादा परसेंट जगह छोड़ देना अपने पेज की, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ तक यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई जगह छोड़ देना है, कोई भी जगह छोड़नी है आपको। तो यहाँ पर लिखना है आप ए अकाउंट, यहाँ पर लिखना है ए अकाउंट, ए अकाउंट, ए अकाउंट के लिए जगह छोड़े, फिर लिखना है बी अकाउंट, फिर लिखना है सी अकाउंट, लिखने के बाद फिर मैं बची नंबर। हाँ दोस्तों, एक सबका फॉर्मेट बना लीजिए, आप जल्दी से फॉर्मेट बना लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और जल्दी से आप फॉर्मेट बनाइए इसको। ये लो दोस्तों, मैंने तो बना दी है, आप जल्दी से आप भी बनाइए इसको। और यहाँ लिखेंगे डेट पर्टिकुलर अमाउंट डेट, जितना आपको लग रहा है मुश्किल उतना है नहीं, बहुत सिंपल है। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये तो हो गया जनरल लेजर अकाउंट, डेटर लेजर के अंदर, ठीक है। इसमें अभी हम पहले नहीं करते, पहले नहीं करते डेटर में करते, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, डेटर का अपोजिट होता है। अगर डेटर बढ़ रहे हैं तो डेटर डेबिट साइड से बढ़ेंगे डेटर लेजर अकाउंट में, तो जनरल लेजर अकाउंट में क्रेडिट साइड चले जाएगा वो। अगर डेटर को कम करने के लिए डेटर लेजर अकाउंट में क्रेडिट करेंगे तो जनरल लेजर में डेबिट चले जाएगा। तो मतलब अगर डेटर लेजर की शुरुआत 2 बैलेंस बीडी से होती है तो जनरल लेजर की शुरुआत 5 बैलेंस बीडी से होती है ना। अपोजिट होता है या नहीं होता डेटर लेजर का? अपोजिट होता है, यहाँ लिखिए 5 बैलेंस बीडी, ठीक है सर। यहाँ लिखते हैं डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है सर। चलो एक चीज आगे पढ़ते हैं सर, क्वेश्चन क्या कह रहा है। सर पहले तो मैं सबके बैलेंस डाल देता हूँ, सबके बैलेंस डाल देता हूँ। तो 1530 का ए बैलेंस है, यहाँ लिखता हूँ 2 बैलेंस बीडी। ये डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट है, डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट है ये, ठीक है। ये डेटर लेजर अकाउंट का ए अकाउंट का नाम डाला है, ये डेटर लेजर अकाउंट, ठीक। 2 बैलेंस बीडी, 2 बैलेंस बीडी,
कितना अमाउंट है 1530। बच्चे ये डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट है, जहां पर डेटर को बढ़ाना हो तो डेबिट करेंगे, कम करना हो तो क्रेडिट करेंगे। ठीक, एक तरीके का डेटर लेजर की तरह सोचिए। डेटर लेजर की तरह आपको सोचना है दोस्तों, इसको डेटर लेजर की तरह क्या सोचना है, मतलब सिंपली समझना कि डेटर को बढ़ाने के लिए डेबिट करना है, कम करने के लिए क्रेडिट करना, वही है अकाउंट है। ठीक है, तो बाय बैलेंस बी अकाउंट क्या लिख दिया मैंने, टू बैलेंस बी डी, टू बैलेंस बी डी सी अकाउंट, टू बैलेंस बी डी सी अकाउंट, टू बैलेंस बी डी लो भाई, बी का बताने कितना अमाउंट है 1620, 1620 सी का कितना है 1890, 1890 और ये है 1170। ये हो गए डेटर अकाउंट, ये क्या हो गए सर, डेटर अकाउंट हो गए। ये कौन सा अकाउंट है मेरे भाई, ये अकाउंट है डेटर अकाउंट। डेटर अकाउंट मीन्स डेटर को बनाना हो तो डेबिट करूंगा, कंपनी के लिए डेबिट करूंगा। मुझे क्वेश्चन के अंदर ये बोला है सिर्फ और सिर्फ आपको क्या बनाना है, सिर्फ और सिर्फ आपको डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, डेटर लेजर के अंदर क्रेडिट जनरल लेजर बनाना है बस, और सबके इंडिविजुअल डेटर अकाउंट खोलने हैं, मतलब सबके अकाउंट खोलने हैं डेटर अकाउंट, और साथ में सेल लेजर के अंदर डेटर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट भी खोलना है। ठीक है, तो डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट नहीं खोलना, मुझे क्या नहीं खोलना, डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेटर अकाउंट बनाने हैं सभी इंडिविजुअल पर्सन के। तो मैंने कहा सबका टोटल कितना है, सभी टोटल सबका पर्सन का टोटल कितना है करना चाहिए इसका सबका टोटल, तो मैंने कहा सर 1530, 1620, 1890 और 1170 क्या 6210, 6210 मतलब टोटल बैलेंस, टोटल डेटर मेरे को कितने बने हैं, ओपनिंग डेटर, टोटल ओपनिंग डेटर मेरे को कितने बने, यहाँ पर लिखे हुए वर्किंग नोट इसलिए बनाया है, वर्किंग नोट दोस्तों इसलिए बनाया है कि मैं बता सकूँ कि टोटल ओपनिंग डेटर मेरे को कितने बने हैं। मैंने कहा टोटल ओपनिंग डेटर, टोटल ओपनिंग डेटर मेरे पास है, इन सबको जोड़ देंगे 1530 प्लस 1620 प्लस 1890 और प्लस 1170, उसका टोटल करने के बाद आपके पास आएंगे 6210। तो दोस्तों जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना हमेशा ध्यान रखना जनरल लेजर अपोजिट होगा डेटर लेजर का, अगर डेटर की सुबह डेबिट सेक्शन होगी तो जनरल लेजर की सुबह क्रेडिट सेक्शन होगी, तो यहाँ पर लेते हैं 6210। ठीक है सर, ये टोटल कर देते हैं हम सर। इसके बाद जनरल लेजर में आकर जनरल लेजर में क्या आएगा, सुबह कहां से होगी टू डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट है ना, सुबह कहां से होगी टू डेटर, हेडिंग क्या बनेगी जनरल लेजर में डेटर लेजर की हेडिंग बनती है टू डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, और लिखेंगे बाय डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, बाय डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। चलो भाई तो 6210 तो 6210 यहाँ पर मैंने हेडिंग बना दी, और हेडिंग बनाने के बाद अब जो जो चीज होगी वो डाल दूंगा, सबसे पहले इसमें डालूंगा और इनका अपोजिट में वहां डालूंगा, मतलब इन सभी के अगर इन सारे अकाउंट इंडिविजुअल डेटर अकाउंट के अंदर डेबिट साइड मारा तो जनरल लेजर की क्रेडिट साइड में आएगा, अगर इंडिविजुअल डेटर अकाउंट में कहीं पर भी क्रेडिट साइड मारा तो जनरल लेजर का डेबिट साइड आएगा। जनरल लेजर मतलब ये बनाया है जो ये सब चारों डेटरों का मिक्सअप है, इकट्ठा डाल रहा हूँ अमाउंट इसके अंदर। ठीक है, ये लो भाई देखना, चोर गुड्स टू 1710 का 1710 की गुड्स बेचे हैं, तो बताओ एक गुड्स बेचे हैं, तो एक को जब मैं गुड्स बेचूंगा दोस्तों ये डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट नहीं है, ये है ए अकाउंट, मतलब डेटर अकाउंट एडजस्टमेंट अकाउंट नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये भी लिखेंगे टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में हेडिंग बनाएंगे, ना 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 ये सिर्फ सिंगल डेटर अकाउंट है, जैसा बनाते हुए आए हो हमेशा कि डेटर अकाउंट कैसे बनता है, वो डेटर अकाउंट है ये, याद करो दोस्तों, आपको ये पता क्यों बोल रहा है बनाने को, याद करो मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको सिखाया देखो तीन तरीके होते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की, पहली अकाउंटिंग होती है आपको जनरल लेजर के अंदर दो अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं, डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट और क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ये करना पड़ता है। फिर मैंने बताया था आपको कि डेटर लेजर के अंदर आपको जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है तो ये वाला पार्ट है, जो डेटर लेजर भी बना रहे हैं यहाँ पर, ओरिजिनल बुक भी बना रहे हैं और इसमें जनरल लेजर अकाउंट भी बना रहे हैं, तो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट तो ये हो गया ऊपर वाला, ठीक है ये वाला, और डेटर लेजर कौन से हो गए,
भाई आपको पता है ना इस वाली बुक के अंदर क्या होता है, इस वाली बुक के अंदर जितने डायरेक्टर को माल जितने डायरेक्टर की डीलिंग होती है डायरेक्टर का अकाउंट खुलता है, ए का अकाउंट खुलेगा, बी का अकाउंट खुलेगा, सी का अकाउंट खुलेगा, सबका टोटल इसमें डायरेक्टर लेजर में जाता है, इन सबका टोटल किसमें जाता है डायरेक्टर लेजर में जाता है। पर अभी डायरेक्टर लेजर नहीं बना रहा, अभी पेपर लेजर नहीं बना रहा, क्यों बना रहा हूँ, डायरेक्टर लेजर का ओरिजिनल रूप बना रहा हूँ जिसमें सिंगल डायरेक्टर अकाउंट बना रहे सबके और जनरल लेजर अकाउंट बना रहा हूँ, ये वाले ट्रीटमेंट है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होगा जनरल लेजर बोलेगा और सबको ये बोलेगा, पर इसके अंदर यही बोलता है, पर इसके अंदर क्या कहता है डेटा लेजर बोल देता है और ये भी बोल देता है, ये भी बनाओ और ये बनाओ। जब ये बनाते हैं तो इंडिविजुअल सबका अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है, और जब ये बनाते हैं तो इन्हीं सबका अपोजिट यहाँ आएगा, क्योंकि इन्हीं सबका अपोजिट जनरल लेजर में आता है, तो ये इसकी डुप्लीकेट है। क्लियर, अपना आ गया ना क्या है वो। ठीक, तो इसके अंदर यहाँ नहीं लिखेंगे, ये तो ओरिजिनल बुक है डेटा लेजर, इन डेटा लेजर की ओरिजिनल बुक है दोस्तों, इन डेटा लेजर की इसकी ओरिजिनल बुक है कि भाई ओरिजिनल बुक में ए अकाउंट, बी अकाउंट, सी अकाउंट, डी अकाउंट खुलता है ओरिजिनल में, और जनरल एडजस्टमेंट अकाउंट इनका अपोजिट होगा। मतलब ये है मेनली ये बना रहा हूँ, इसके अंदर हम तीन और चार अकाउंट बना रहा हूँ सी डी के, और इसके अंदर फिर ये बना रहा हूँ इनका चेक करने के लिए। ठीक है, ये वाला केस है सेकंड वाला, अब आप क्लियर होगा क्योंकि मैंने डिटेल बताया आपको कितना है। अब सबसे पहले क्या हुआ, पहले ये बताइए सबसे पहले क्या हुआ, ए को गुड्स बेचे गए 1710 पर, ए को गुड्स बेचे सोल्ड गुड्स टू ए, ए को गुड्स बेचे गए, अब ए को गुड्स बेचेंगे तो ए हमारा डेटर है, तो डेटर बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, सब बढ़ जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे टू सेल, यहाँ लिख देंगे टू सेल, यहाँ पर सीधा सीधा लिख देंगे दोस्तों। डेटर अकाउंट जैसे नॉर्मली बनता है, सेल्फ बैलेंसिंग मेथड सिस्टम अप्लाई नहीं हो रहा है डेटर में, जैसे डेटर बनता है बढ़ेगा तो टू सेल, घटेगा तो बाई कैश करके ऐसे करके, वो सिस्टम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। और सेल कौन सी है, क्रेडिट सेल ही है, ये नाम का यूज करा गया है, कितना अमाउंट आ रहा है बताना जरा सर, 1710 1710 पहले सारी ट्रांजेक्शन करूंगा इकट्ठा, रिसीव फ्रॉम बी ऑन अकाउंट ऑफ 300 रुपए, 300 रुपए बी से रिसीव हुए, तो जब बी से रिसीव होंगे तो बी डेटर है, बी से जब पैसा आ जाएगा तो कम हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे बाई कैश 300 रुपए रिसीव हुए बी से, जनवरी टू जनवरी 9, जनवरी 9 और जनवरी 2, जनवरी 1 को होगा, ये 2 को होगा और बैलेंस मीडियम हमेशा जनवरी 1 को होगा, जनवरी 1, ठीक है, जनवरी 1 को बैलेंस होगा। इसके बाद रिसीव ए से 1500 रुपये इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज बैलेंस, कितने लेते हैं 1710 लेते हैं ए से, अभी तो करा था ऊपर भी को मान भी था, उसने कितने ए से 1500 दिए बाकी फुल सेटलमेंट करा ली, इसका मतलब क्या हुआ, आप मान लो ए हो, आपने मुझे 1710 रुपये देने हैं, आपने कहा सर 1500 रुपये कर लो और हिसाब किताब क्लोज कर दो पूरा, मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, तो आपको देने कितने थे 1710 रुपये देने थे, मैंने कहा 1710 दे देते आपको 1710, आपने मुझे कितने दिए 1500, मैंने 1500 डाला, तो मुझे कितने का आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा 210 का, जब भी फुल सेटलमेंट लिखा होता है समझ लेना डिस्काउंट दिया गया है, तो आपने मुझे 1710 रुपये देने थे, आप ए हो, आपने मुझे 1710 रुपये देने थे पर आपने मुझे दिए 1500 रुपये और कहा फुल सेटलमेंट कर लो, उसका मतलब मैंने आपको 210 का डिस्काउंट दिया, तो मतलब यहाँ दो पेमेंट निकल गया, ए ने क्या दिया कैश रिसीव करा, ए से कैश अकाउंट में रिसीव करा, पैसा आने पर डेटर कम हो जाएंगे 1500 रुपये, आ रहा तो 1710 दिया 1500, इसका मतलब बाय डिस्काउंट अलाउ भी करा है, बाय डिस्काउंट अलाउ भी करा है अकाउंट कितने का 210 रुपये का, तभी मिलकर क्या होगा 1710, दैट इज कॉल्ड फुल सेटलमेंट, रिसीव करा ए से कितनी तारीख को जनवरी 11, जनवरी 11, ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ तक अभी आपको, सिंपल डेटर अकाउंट जैसे बनता है वैसे बनाओ, क्योंकि वो डेटर लेजर में बन रहा है, एडजस्टमेंट में नहीं बन रहा, एडजस्टमेंट बनता तो भी हेडिंग हेड डालता पूरा, डेटर लेजर में जनरल लेजर या जनरल लेजर में डेटर लेजर में हेड डालता, सिंपल डेटर अकाउंट जो बनता है, मैंने आपको सिखाया अभी कि इन डेटर लेजर के अंदर बहुत सारे डेटर लेजर डेटर खुलेंगे और उसके अंदर ही क्या होता है, उसके अंदर जनरल लेजर अकाउंट खुलता है, तो वही दो बन रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, मैंने बी को कुछ बेचे 600 रुपये के, ठीक है सर बी को कुछ बेच दिया आपने, यहाँ पर ले देंगे टू सेल, 600 रुपये के बी को कुछ दी, कितने रुपए के, मतलब यह है कि कितनी तारीख को देखिए जनवरी 12, बहुत सिंपल अकाउंट है जनवरी 12 को, बस आप डालते जो डेटर अकाउंट आपने कब से बनाते आया है, लेजर अकाउंटिंग है बचपन में सीखा था लेजर अकाउंटिंग, बी रिटर्न गुड्स वेयर डैमेज इन ट्रांजिट अमाउंटिंग टू सर, बी ने क्या करा, बी ने एक गुड्स डेट ट्रांजिट के अंदर डैमेज हो गया, तो बी ने क्या करा गुड्स रिटर्न कर दिया, अब गुड्स रिटर्न होंगे तो क्या होता है डेटर कम हो जाते हैं, ये आपको पहले डिस्कस कर चुका हूं मैं, गुड्स रिटर्न पे डेटर कम हो जाते हैं तो बी कम हो गया होगा, क्या बोलेंगे रिटर्न की नंबर, बी ने माल बेचा 600 रुपये का 180 रुपये का रिटर्न आ गया, वापस आ गया रिटर्न की नंबर, रिटर्न की नंबर कितना आ गया जनवरी
₹600 का माल, 180 का माल वापसी आ रहा है। दोस्तों क्या समझ में आ रहा है आपको, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? दोस्तों सारी बातें मैं समझा चुका हूँ आपको, डायरेक्टर को बढ़ने की वजह क्या होती है, क्रेडिटर की बढ़ने की वजह क्या होती है। अब रिटर्न इनवर्ड से आपको मैं क्लियर कर चुका हूँ कि रिटर्न इनवर्ड से डेटर कम हो जाते हैं जनवरी 14 के अंदर, ठीक। रिसीव सी ₹1800 एंड अलाउ हिम अ डिस्काउंट ₹90, ₹1800 रिसीव करा सी से और उसको डिस्काउंट किया ₹90 का, ठीक है सर। यहाँ मैंने क्या बाय कैश अकाउंट और बाय डिस्काउंट अलाउ, बाय सी, सी को बताओ कितने पैसे देने थे। देखो सी शुरू में साल के शुरू में सी को ₹1890 देने थे, हमने कहा सी ₹1800 दे दो और ₹90 का हम आपको डिस्काउंट देते, तेरा अकाउंट क्लोज कर देते। मैंने कहा ठीक है यार बढ़िया बात है। जनवरी कौन सी तारीख को है, जनवरी 18 को। क्या क्लियर हो रहा है आपको, नहीं हो रहा समझ में आ रहा है क्या क्या नहीं कोशिश कर रहा हूँ भाई? कैश रिसीव करने से मैं एक ही लॉजिक अप्लाई कर रहा हूँ, डेटर को बढ़ाना हो तो डेबिट करेंगे, डेटर को कम करना होता है तो क्रेडिट आ जाएगा, ठीक है। तो ₹1890 तो ओपनिंग बैलेंस था, मतलब डेटर को सुधार की शुरू मुझे ₹1890 लेना था सी से, अब सी ने मुझे ₹1800 कैश दिया, मैंने ₹90 उस पर डिस्काउंट दिया, क्लोज हो गया सी का अकाउंट, ठीक है सर। इसके बाद रिसीव फ्रॉम ए, अब बिल ऑफ एक्सचेंज ₹1200 एंड एक्सेप्ट बाय एक्स टेबल ऑन 25 जनवरी, क्या बोला है, एक ए से एक बिल रिसीव हुआ ₹1200 का, ए से एक बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव हुआ ₹1200 का। और आप मुझे बताओ जब भी बिल रिसीव होता है तो डेटर कम हो जाता है भाई, जब भी बी आर इशू करते हैं, बी आर रिसीव होता है तुम्हारा डेटर कम हो जाएगा ना, हम पहली एंट्री क्या करते हैं डेटर टू सेल, और जब बी आर मिल जाता है तो एंट्री करते हैं बी आर अकाउंट डेबिट टू डेटर, टू डेटर खत्म करते हैं डेटर को। तो बी आर क्या हो जाता है, बिहार की वजह से डेटर कम हो जाता है, मतलब ए ने 1200 का हमें बिल दिया इसका मतलब ए 1200 से कैंसिल आउट हो गया बाय बीआर अकाउंट 1200, बीआर एक्सेप्ट करने की वजह से 1200 से ए कम हो गया। जनवरी कौन सी एंट्री है, जनवरी 19, ठीक सभी, ये क्या लिखा है, एक्सेप्टेड बाय एक्स पेबल ऑन 25 जनवरी, एक्सेप्टेड बाय एक्स मतलब एक्स से बीआर मिला है, सॉरी एक्स ने एक्सेप्ट करा है, ठीक है। ए से हमारे को बीआर मिला और हमने बी को एस एफ बी को दे दिया, मैंने कहा सर एस को दे दिया एक्स को, मान लो ए पर्सन है उससे मुझे बीआर मिला, आप एक्स हो, आपको मुझे पैसे देना था, और मैंने कहा सर ये जो बीआर मिला आया मैंने आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ, आप ये ले लो, आप पैसे कैंसिल एक्सेप्ट कर लो, 25 तारीख को देना था, मैंने आपको उसकी जगह पर क्या दे दिया 1200 को बीआर दे दिया, ठीक है। ये भाई बी से ₹900 रिसीव हुए हैं, ओके सर बी से ₹900 रिसीव हुए हैं तो जब पैसा आएगा तो बी कम हो जाएगा, तो मैंने कहा कैसे कम ₹900 पीछे आए, और सर कितनी तारीख को, जनवरी 22 को ₹900 रिसीव हुआ। ए बिल रिटर्न डिसऑनर्ड, ए से जो बिल मिला था वो डिसऑनर्ड हो चुका है दोस्तों, ए से जो बिल मिला था वो अब क्या हो गया 1200 का बिल डिसऑनर्ड हो गया। क्या लिखा है, ए से जो बिल रिटर्न आया था वापसी पे, क्या होता है बिल रिटर्न कैसे मतलब होता है, बिल ऑप्शन पढ़ा आपने कि जब भी बिल साइन होता है तो बिल पहले उसके पास जाता है, वो एक्सेप्ट करता है फिर वापसी मुझे दे देता है, क्या मैंने बिल ड्रॉ करा, मैं ड्रॉअर हूँ आप ड्रॉइंग हूँ, मैंने बिल ड्रॉ करा मैंने आपको दिया, आपने उस पर साइन करके वापसी मुझे दे दिया, दैट इज कॉल्ड रिटर्न। रिटर्न का मतलब है कि साइन करके वापसी आ जाता है, तो बीआर मेरे को आता है, बीपी उसके बाद आता है, तो जो बीआर उसने मुझे रिटर्न करा था दिया था वो डीआर डिसऑनर्ड हो गया, तो मैं यहां लिखूंगा टू बिल डिसऑनर्ड। बिल डिसऑनर्ड से क्या हो जाएगा ये बताओ, डेटर बढ़ जाएंगे, क्योंकि जब बीआर एक्सेप्ट करा था तो डेटर कम कर देते हैं, अब वो बीआर कोई काम का है कि डिसऑनर्ड हो गया तो डेटर वापसी बढ़ा देंगे ₹1200 का, वो जो बीआर ने अमाउंट नहीं रहा था कभी काम जनवरी 25। आई कह रहा है कि डी बिकम इंसॉल्वेंट, डी जो हो गया वो इंसॉल्वेंट हो गया, इससे पहले देखो कितने पैसे लेते थे, डी से लेते 1170 हो गए, अभी हो गया इंसॉल्वेंट। 30 पैसा इन अ रुपी का मतलब 30 पैसा इन अ रुपी, 1 रुपए में 30 पैसा, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, 100 पैसे में 30 पैसा रिसीव होता है, इसका मतलब 30% होता है। कहीं पर अगर वर्ड लिखा होता ना 30 पैसा इन रुपीज का मतलब 30% होता है, 40 पैसा इन रुपी का मतलब 40% हुआ, क्यों, क्योंकि 100 1 रुपए में 100 पैसा होता है तो 100 पैसे में से 30 पैसा मिल रहा है, मतलब 70 पैसा नहीं मिला, मतलब 30% मिल रहा है, 70% नहीं मिल रहा, 100 पैसे में से अगर मैं कह रहा हूँ 40 पैसा इन रुपी का मतलब 100 में से 40 पैसा मिल जा रहा है, बस 60 नहीं मिला, तो 40% पैसा मिला है, 60% नहीं मिला, तो जब भी कभी लिखा 30 पैसा इन रुपी, 40 पैसा इन रुपी, 50 पैसा इन रुपी, 60 पैसा इन रुपी, हमेशा क्या होगा 30%, 40%, 50%, 60%, ऐसा माना जाएगा। तो अभी क्या मानेंगे 30% रिसीव हुआ है, उसकी स्टेटमेंट फुल फाइनल सेटलमेंट हो चुकी है, मतलब डी ने पैसे देने पे 1170 हो गए। अब डी क्या हो गया सर, डी से पैसा रिसीव हुआ, कैश रिसीव हुआ, इंस्टॉलमेंट हो गया, और 30% कैश रिसीव हुआ है, 30% किसका निकालेंगे, जितना देना था उसका 30%,
थर्टी परसेंट किसका, 30% ऑफ 1170, 1170 का 30% रिसीव हुआ है जनवरी 28 की एंट्री, ये जनवरी 1 की एंट्री होगी और ये जनवरी 28 की एंट्री होगी। 30% मैंने कहा 1170 जितना उसने दे रहे थे उसका 30% रिसीव हुआ, तो मैंने कहा 351 रुपीज रिसीव हो गया और बाकी रिसीव हो नहीं पाया इसलिए बाकी हो गया बैड डेट। बाकी क्या हो गया दोस्त, इंस्टॉलमेंट हो गया ना, और इंस्टॉलमेंट होने से डेट बैड डेट होने से डेट हो जाते हैं, तो मैंने कहा 70% रह गया, 70% ऑफ 1170 इतना मेरे को नहीं आया, तो मैंने कहा 1170 इंटू 70% क्या आपके 819, ये आपके पास 819 आया और इसका अकाउंट क्लोज कर दिया। मैंने कहा इसके अंदर कोई बैलेंस नहीं बचा, इसका अकाउंट यहाँ पर क्लोज कर दो। 1170 ये भी आ गया, 1170 ये भी आ गया, कोई अकाउंट नहीं बचा, इसका कोई बैलेंस नहीं बचा, बैलेंस डीडी सीडी नहीं बचा। क्यों? क्योंकि 1170 पे देने थे, बेचारा इंस्टॉलमेंट हो गया, 351 ही रिसीव कर पाए, 819 हमारा बैंक हो गया। ऐसी ए के अकाउंट को सी के अकाउंट क्लोज कर रही है, पहले एक लास्ट एंट्री कर लेते हैं, सोल्ड गुड्स टू सी 1020 रुपए की। जब सी को गुड्स बेचेंगे तो बताओ क्या होगा, तो सर बताइए क्या होगा, सी बढ़ जाएगा 1020 रुपए, भाई डेटर बढ़ जाएंगे, जब माल बेचता हूँ तो मैं डेटर बढ़ जाते हैं। अब सी का अकाउंट भी क्लोज कर देता हूँ, बताओ कौन सा 1890 और ये डेबिट साइड ज्यादा है, तो मैंने कहा डेबिट साइड ज्यादा है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा और यहाँ पर लिखूंगी और लिख देंगे बाय बैलेंस, बाय बैलेंस टू बैलेंस, सॉरी टू बैलेंस डेली फरवरी 8 अगले महीने की, और लिख देंगे बाय बैलेंस सी। ठीक है दोस्तों, बता दो सर टोटल बता दो, मैंने कहा भाई 1890 प्लस 1020, 1890 प्लस 1020 2920 बस यही करना था दोस्तों इसके अंदर, मतलब इसके अंदर जो मेन कॉन्सेप्ट था वो मेन कॉन्सेप्ट ये था कि हम डेटर लेजर के कुछ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे और जनरल लेजर स्टेटमेंट अकाउंट भी मेंटेन करेंगे। तो पहले डेटर अकाउंट मेंटेन कर दिया, अब जो डेटर लेजर पे डेबिट साइड में है वो जनरल लेजर के क्रेडिट साइड में जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, जो यहाँ पर होता है वो यहाँ पर उल्टा जाता है, एसी का तो डुप्लीकेट है, और जो डेटर लेजर के डेबिट साइड में है वो क्रेडिट साइड में जाएगी, जो क्रेडिट में वो डेबिट में जाएंगे, क्रॉस पॉजिटिव होती है दोस्तों। पहले इसका टोटल कर लेते हैं, मैंने कहा 1620 प्लस 600, 1620 प्लस 600 माइनस करेंगे 300, माइनस करेंगे 180, माइनस करेंगे 900 रुपए, आ गया 1200 रुपए, मतलब बाय बैलेंस सीडी कितना बच गया, मतलब अभी बी को हमने बी को बी ने हमारे कितने पैसे दे रहे हैं, हमने कहा बी ने हमारे 1200 रुपए देने हैं, टू बैलेंस सीडी 1200 रुपए, बी ने 1200 रुपए देने, 1 फरवरी के शुरुआत में बी का बैलेंस 1200 रुपए से हो रहा होगा, इसको मैं यहाँ लिख देते जनवरी करते हैं, साल के एंड में डालते हैं। ठीक है, इसका भाई सी ने कितने पैसे देने, 1020 रुपए देने। अब एक अकाउंट क्लोज कर लेते हैं, मैंने कहा एक अकाउंट क्लोज करो, अब एक अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल डाल दिया है 1530 प्लस 1710 और प्लस 1200 रुपए, क्या आ गया 4440 4440 माइनस कर देंगे 1200 रुपए, माइनस करेंगे 210, माइनस करेंगे 1500 रुपए, तो आपके आए 1530 रुपए, ये हो गया बैलेंस सीडी। मतलब ए से हमें कितना पैसा लेना है, ए से हमें 1530 रुपए लेना है। बताओ ये वाला कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस होता है, सर बताइए सर ये वाला कौन सा बैलेंस होता है, सर डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस, सर डेबिट बैलेंस, क्योंकि अगले साल ट्रांसफर होगा, टू बैलेंस, अब तो क्लियर कर दिया मैंने आपको, टू बैलेंस बीडी, बैलेंस हमेशा बीडी के देखे जाते हैं, बीडी जिस साइड होता है उस साइड बैलेंस देखा जाता है, सीडी का भी बैलेंस नहीं देखा जाता फरवरी 8 को। ठीक है भाई, क्लोज कर दिया अकाउंट, अब जब अकाउंट क्लोज कर दिया तो अब जो चीज डेबिट में है वो चीज क्रेडिट में चली जाएगी, पर उससे पहले पता है क्या करूंगा, उससे पहले मैं सबके टोटल करूंगा, वहां पर सिर्फ टोटल अमाउंट आएगा, टोटल जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, सबसे पहले मैंने लिखा ए, ए मैंने यहाँ लिखा कि भाई टोटल ओपनिंग डेटर कितने थे, मैंने सबको जोड़ दिया और टोटल आ गया। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, टोटल सेल, मैंने कहा भाई टोटल सेल कितनी, मेरा वो बता दो सर, तो टोटल सेल देखेंगे यहाँ पर भी, टोटल सेल कितनी कितनी हुई है, तो मैं बनता हूँ टोटल से मैं जोड़ दूंगा, यहाँ पर जोड़ने के बाद डालेंगे, यहाँ तो कोई सेल नहीं हुई थी, यहाँ सेल 1020 ने करी है,
ये 600 रुपए बी नगरीय है और ये 1710 रुपए ए नगरीय है। 1710 क्योंकि ए का है, कैसे लिख देना, ये किसका है, ए का प्लस डी बी का, ये सी का और ये डी, ये बता भी देना किस किस का है। 1710 ए का है और बी का 600 रुपए और ये ए का बी का है, 600 रुपए है बी का, ऐसे लिखो बैठे में, और 1020 है सी का। इन सब पर रोल करने के टोटल से निकल आ गई, मैंने कहा लो भाई 1170 प्लस 1170 प्लस 600 और प्लस 1020 क्या आ गया 2790। मतलब जो एक ही आइटम के है ना, एक ही मतलब सिमिलर नेचर के, अगर अलग अलग दिख रहा है टोटल डाटा सेल भी, तीन चार चार डाटा सेल करिए, तीन डाटा सेल करिए, उनका सम कर देंगे। अब सेल कहाँ आएगा बताओ, अगर डेटर अकाउंट के सेल डेबिट साइड में आता है तो यहाँ पर क्रेडिट साइड में आएगा, तो यहाँ लिखूंगा सेल। अब देखो यहाँ पर सेल लिखा जाएगा वर्ड, यहाँ पर कौन सा वर्ड लिखा जाएगा दोस्त, यहाँ पर वर्ड लिखा जाएगा सेल वर्ड, सिर्फ सेल वर्ड लिखा जाएगा और बाहर डाल देंगे 2790। क्यों, क्योंकि इसके अकाउंट खुलना है डेटर लेजेंड अकाउंट, ये तो वह है जनरल लेजेंड में, अपना जनरल लेजेंड में डेटर खुल चुका है सेल। अब अगला देखेंगे सेल हो गया, कैश का कलेक्शन कितना हुआ 1500 और 900, यहाँ पर देखो बार बार आ रहा है, यहाँ पर लिखा टोटल कैश कलेक्शन, सी आपके पास है टोटल कैश कलेक्शन, टोटल कैश कलेक्शन कितना कितना पैसा कलेक्ट हुआ, तो यहाँ पर जोड़ देंगे जितना इतना पैसा कलेक्ट हुआ। सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे ए का, ए का कलेक्ट हुआ 1500 रुपए, बी से कलेक्ट हुआ दो बार 300 और 900, मतलब 900 और 300 कितने 1200 रुपए, ए से कलेक्ट कितना हुआ है 1500 रुपए, 1500 रुपए ए से कलेक्ट हुआ है, बी से 300 रुपए कलेक्ट हुआ है एक बार और बी से एक बार 900 रुपए कलेक्ट हुआ है, अलग अलग लिख दिया मैंने। और सर कलेक्शन और कहाँ से हुई है, और मेरा 1800 रुपए सी से कलेक्शन हुआ है और 351 रुपए डी से कलेक्शन हुआ है, 1800 रुपए सी से कलेक्शन हुआ है और 351 डी से कलेक्शन हुआ है, ठीक है। मतलब जितना भी टोटल कलेक्शन था इकट्ठा डाल दें, क्योंकि इकट्ठा ही डालूंगा जनरल लेजर में, इकट्ठा डालेंगे। लो भाई करना जरा, 1500 प्लस 300 प्लस 900 प्लस 1800 प्लस 351 क्या आ गया, 4851 ये आपके पास आया टोटल कैश कलेक्शन। अब जब कैश कलेक्ट होगा तो डेटर बढ़ जाता है कम जाता है, सर डेटर कम हो जाते हैं, कम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है क्रेडिट, तो मैं जनरल लेजर में क्या कहूंगा डेबिट, उल्टा होता है ना, यहाँ पे लिखूंगा कैश कलेक्शन, कैश कलेक्ट कितना आया 4851 ये कैश कलेक्शन। अपोजिट करते हैं इसमें डेटर का, डेटर का जो नेचर होगा जिस साइड ही रहेगा उससे अपोजिट। अब कैश कलेक्शन हो चुका है, अलग डिफरेंट डिफरेंट है, और कोई टोटल है देखना, और कोई सिमिलर नेचर का अकाउंट देखा, डिस्काउंट अलाउ देखना कहीं पर और है डिस्काउंट अलाउ, ये दो जना है तो मैं सबका टोटल दो दो, उसका भी टोटल करूंगा डिस्काउंट अलाउ, मतलब जो सिमिलर नेचर के उसी का टोटल करना है डिस्काउंट अलाउ और बाकी वैसे डाल देना है। ऑब्वियस सी बात है बाकी का टोटल करोगे भी किसके साथ, जब है ही नहीं डिस्काउंट अलाउ का, दो दो जनों को डिस्काउंट मिला था तो उसका टोटल कर देते हैं। मतलब डिस्काउंट अलाउ किस किस को मिला है, किसने दिया है, सी ने दिया है 90 रुपए का डिस्काउंट और ए ने दिया है 210 रुपए का डिस्काउंट, 210 का डिस्काउंट ए ने दिया है और सी ने दिया 90, तो टोटल डिस्काउंट हमने कितना दे दिया 300 रुपए का दिया, तो 300 बढ़ा दो। अच्छा बताओ डिस्काउंट देने की वजह से डेटर कम हो जाते हैं और डेटर को कम करने की क्रेडिट करा जाता है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा डेबिट करना पड़ेगा, डिस्काउंट अलाउड 300। क्लियर है बच्चे। अब बीआर और है, बीआर कोई और बीआर नहीं है दोस्तों, और बीआर कहीं देखा तो बीआर को ऐसे पुट कर देंगे। बीआर मुझे बताओ बीआर कहाँ आया, क्रेडिट साइड में, तो यहाँ पर कहाँ आया था डेबिट साइड में, अब तो ये सिंपल है डेबिट साइड में। भाई डिस्काउंट अलाउ कहाँ आया था क्रेडिट साइड पर, कहाँ डालेंगे डेबिट साइड पर, कैश कलेक्शन कहाँ था क्रेडिट साइड पर, कहाँ डाल रहे हैं डेबिट साइड पर, सेल कहाँ थी डेबिट साइड पर, कहाँ डाल रहे क्रेडिट साइड पर, आ रहा समझ। देखो बीआर अकाउंट 1200 रुपये यहाँ डाल दो, देखो यहाँ बीआर डिसऑर्ड हुआ यहाँ भी डाल दो, क्रॉस पोस्टिंग सिर्फ क्रॉस पोस्टिंग, बीआर डिसऑर्ड डायरेक्टर से जनरल लेजर में क्रॉस पोस्टिंग होती है 1200, ठीक है आप डाल दो, डालते जाओ। रिटर्न इनवर्ड हुआ 180 रुपये का, इधर आएगा रिटर्न इनवर्ड 180 रुपये का, और इसके बाद रिटर्न इनवर्ड हुआ कैश कलेक्शन हो गया, सेल हो गया, कैश इन दोनों हो गए, ये दोनों हो गए सेल हो गया था, रिटर्न इनवर्ड हो गया। इसके बाद डिस्काउंट अलाउ हो चुका, सेल हो चुका, ये हो चुका। इसके बाद बैड डेट रह गया 819 रुपये का, बस ये डाल दो बैड डेट नंबर, हो गया खत्म अकाउंट 819 रुपये का। टोटल कर देंगे आप इसका, बताओ किस साइड का टोटल ज्यादा, किस साइड का टोटल ज्यादा होगा, मैंने कहा इस साइड का टोटल आप कर दो और वही टोटल आप यहाँ लिख देना और जो भी बैलेंस आएगा उसको बोलेंगे बाय बैलेंस, बाय बैलेंस ठीक है, यहाँ लिख देंगे बताओ क्या, यहाँ लिख देंगे 31 जनवरी 31। तो बताओ टोटल कर देंगे सर 6210 प्लस 2790 प्लस 1200 रुपये,
आ गया 10,200। टोटल 10,200 का ट्रांजेक्शन हुआ, उसमें से कितना करेक्शन हो चुका है 4851, इस तरीके से डेट कम हो गया। माइनस 300, माइनस 1200, माइनस 180, माइनस 890, आ गया 2850। 2850 मतलब टोटल में से डेट से हमें देंगे जनवरी सॉरी फरवरी 1 फरवरी को क्या होगा 2 बैलेंस 3 आगे आएगा 2850। ये टू बैलेंस बीडी क्या है, डेबिट बैलेंस से जनरल लेकर के तो क्रेडिट एफ डेटर के साथ देखा जाए तो क्या है डेबिट, क्योंकि जो चीज आप क्रेडिट होगी वो डेटर में डेबिट होगा। देखो आप 2850, देखो आप बैलेंस गिनना, एक 11 बैलेंस कंट्रोल करना 1530 का, एक बैलेंस 11 बैलेंस कंट्रोल करना और एक 11 बैलेंस कंट्रोल करना, जब तीनों बैलेंस कंट्रोल करोगे ना आपका आंसर सेम आएगा 1530 प्लस 1200 और प्लस 1020 आपके पास यहाँ पर नजर आया। मैंने टोटल में गलती करी है सर, टोटल में गलती हुई है सर, एक बार और करना चाहूँगा या मिस हो गया कुछ, मैं शायद दोस्तों कुछ गलती करी है यहाँ पर सेल पर, देखते हैं सेल का टोटल में गलती हुई है सर। 1057 देखो 1170 नहीं था, 1710 था, ठीक है वहाँ पर ठीक है देखना 1710 तो मैंने 1170 लिख दिया, आपने ठीक कर लिया नहीं करा इसको 1710 था दोस्तों 1710 तो इसका आंसर क्यों नहीं आ रहा, आंसर बिल्कुल सही है कैलकुलेशन मिस्टेक। 1710 से टोटल करना 1710 प्लस 600 प्लस 1020 ये आ गया 3330, आप ये लिखना 3330 कैलकुलेशन मिस्टेक बच्चे देख ले करो, एक बार चेक कर ले करो, आप भी मेरे पे मत छोड़ा करो सारी चीजें, हम अभी अपने हिसाब से चेक करें करें 3330 आ गया 3330 ऐड कर देंगे 3330 प्लस 1200 प्लस 6210 इसका टोटल 10,740 क्या आया दोस्त 10,700। अब ये भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा और ये 10,740 यहाँ आएगा, 10,740 यहाँ पर आया। अब यहाँ पर माइनस कर देंगे 4851 माइनस 300 माइनस 1200 माइनस 1180 माइनस 819 ये आ गया 3333। एक मिस्टेक और हुई है दोस्तों हमारे से, एक मिस्टेक और हो गई है, यहाँ पर हमने ट्रांजेक्शन करी थी उसमें एक को डिस्कूल सेटर मिल हुआ था, ये वाला था ज्यादा हुआ था, ये जो 1500 रुपये था ये फुल सेटलमेंट हुआ था बैलेंसेस ऑफ एक एक, ये पढ़ाएंगे सर। देखो यहाँ पर फुल सेटलमेंट किसके बैलेंस का हुआ है, जो बैलेंस एक एक 2013 में था, एक एक 2013 में जो पैसा देना था उसका फुल सेटलमेंट करा, मतलब एक एक हमने फुल सेटलमेंट इससे ले लिया, जबकि इससे बोला है कि एक एक 2013 में हुआ है। थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करेंगे आप, इस वाले बैलेंस का फुल सेटलमेंट करना था, इस वाले बैलेंस का मतलब 1530 रुपये देने थे, इस एक एक 2013 का, एक एक 2013 ये 2013 का बोला है यहाँ पर, एक जनवरी 2013 का 1530 रुपये देने थे उसका बैलेंस दिखाया है, एक जनवरी 2013 के 1530 का, देखो यहाँ पर लिखा है साहब साहब, मैंने यहाँ पर आगे पढ़ा नहीं, फुल सेटलमेंट कौन से बैलेंस का, एक एक 2013 का, तो 1530 देने थे 1530 का डिस्काउंट कराया, मैंने गलती कर दी यहाँ पर भाई 30 रुपये का डिस्काउंट 30 रुपीज 30 रुपये का डिस्काउंट बोलते हैं 30 रुपये ठीक। तो मैंने यहाँ पर टोटल कर देंगे 1530 प्लस 1710 इसको ठीक कर लेंगे सर, यहाँ पर आप 4040 माइनस 1530 माइनस 1200 यह 1710 आया, 1710 आया, यहाँ पर आपका टोटल आया 1710। भाई क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी बहुत मुश्किल हो गई, 1710 और 1710 ठीक, इसको आप ठीक कर लेंगे कि हमने ध्यान नहीं दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया दोस्तों यहाँ पर 1-1-2013 लिखा, मतलब फुल सेटलमेंट में कौन से बैलेंस की करनी थी, जो बैलेंस 1 अप्रैल 2013 को देना था मतलब 1530, तो 1530 में 1530 30 रुपए का हमने डिस्काउंट दे दिया, तो यहाँ हमने इसके हिसाब से मैच कर लिया, ठीक कर लिया। तो यहाँ पर कैलकुलेशन एक बार और कर लेना, एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, हो जाता है कभी कभी मिस्टेक हो जाती है भाई, अगर फेस टू फेस होता तो आप मुझे बता देते एट द टाइम कि सर यहाँ पर आपने एक चीज लाइन पढ़ना भूल गया, और बाकी ठीक है, ये डिस्काउंट यहाँ पर कम कर दो सर, यहाँ डिस्काउंट भी तो कम होगा है, देखो यहाँ पर ये वाला एक को कितना दिया 30 रुपये, एक को कितना दिया बताओ, एक को 30 रुपये 90 ये हो गया 120 रुपये का डिस्काउंट, ठीक है कितना हो गया भाई 120 का डिस्काउंट हो गया, तो यहाँ पर भी डिस्काउंट कितना आएगा, यहाँ पर ये डिस्काउंट अलाउ दिखेगा 120 का देगा यहाँ पर भी। अब ठीक है, दो मिस्टेक होगी थी, एक कैलकुलेशन मिस्टेक होगी थी, एक गलत इंटरप्रेट कर लिया था, मतलब पढ़ाई नहीं आ गई, इंटरप्रेट किया जल्दी बाद में पढ़ाई नहीं इसको कि कौन सा बैलेंस था, और मैंने इस बैलेंस से कर लिया इसको,
अच्छा गवर्नमेंट, तो ये दो मिस्टेक को आप ठीक कर लीजिएगा, हो जाता है कभी कभी, बड़े क्वेश्चन से ऐसे होते हैं। तो आपके पास 10,740 है, अब माइनस करेंगे 484851, माइनस करेंगे 120, माइनस करेंगे 1200, माइनस करेंगे 180, माइनस करेंगे 819, ये आ गया 3750। कितना आएगा ध्यान देना, यहाँ पर आया है 3750, मतलब क्या है, मतलब अब मुझे टोटल डेटर से कितना पैसा, मतलब जितना टोटल का बैलेंस है, टोटल डेटर से ए बी सी डी तीनों को मिलाकर अब मुझे 3750 लेना है। क्या इसका 1710 देखो कैलकुलेटर में, निकाल लो भाई 1710 कैलकुलेटर में, 1710 प्लस एक तो ए से लेना 1710, बी से लेना 1200, मैं उसको 1200 ऐड कर दो प्लस, और आपको सी से लेना 1020 ऐड कर दो, क्या आया आपके पास थ्री, मैच यही करा 390 जो फिर गलती है, कैलकुलेशन मिस्टेक है, कॉन्सेप्ट मिस्टेक हो ही सकती है, कैलकुलेशन में क्या होता है कभी कभी कैलकुलेशन गलती हो जाती है, मैं चेक करता हूँ एक बार, देखो इसको बी का कर लेते टोटल 621 प्लस 600, अगर आप साथ साथ कैलकुलेशन कर रहे हो तो आपकी मिस्टेक नहीं होगी, आपको पता चल गया होगा 2200 प्लस 300, क्या होता है कैलकुलेटर में कभी कभी क्या होता है गलत हो जाएगा, हाथ चले जाते, देखो यहाँ पर मिस्टेक हुई 840 आ गया, ऐसे ही होता है दोस्त। वीडियो क्लास में क्या होता है कभी कभी, फेस टू क्लास में क्या होता है सर बताओ, कैलकुलेशन कौन करता है, स्टूडेंट करते हैं, मैं तो ना करता हूँ, कैलकुलेशन करते हैं स्टूडेंट, और वो बता देते हैं जब गुस्सा स्टूडेंट करते हैं तो किसी का मिसमैच करता है तो दोबारा हो जाती है एक बार, यहाँ अकेला मैं ही कैलकुलेशन करने वाला, अगर मिसमैच कैसे पता चलेगा पता नहीं चलेगा कि भाई मैं हूँ, अगर मेरे साथ कोई और भी कर रहा होता तो पता चल जाता, हाँ यदि सारा मेरा स्टूडेंट होता, जैसे कि मैं फेस टू फेस क्लास के अंदर बोलता हूँ कि भाई कैलकुलेशन करिए, तो फिर क्या होता है कि सारे कैलकुलेशन करने लगते हैं, अब जो उसका मिसमैच हो रहा होता है वो मैच कर लेते हैं भाई किसकी गलती है, ठीक है, तो यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है ना, नॉर्मल है। 840 अब ऐड कर लोगे ना तीनों को, एक इसको ऐड कर लोगे बैलेंस को, एक इस वाले बैलेंस को ऐड कर लोगे, नीचे वाले बैलेंस को ऐड कर लोगे, तो आपको आ जाएगा 3750। तो टोटल एक और लाइन लिख देते हैं ए बी सी डी, क्या लिखेंगे, टोटल बैलेंसेस, टोटल बैलेंस, टोटल डेटर बैलेंस एज ऑन 31 जनवरी लिख देते हैं, फरवरी 31 जनवरी लिख देते लास्ट टाइम, एज ऑन 31 जनवरी 2013 बताओ, 1170 उससे लेने हैं, 840 एक से लेने हैं और 1020 एक से लेने हैं, तो टोटल आ जाएगा आपके पास 1170 ही रेट लेना है, 1170 प्लस 840 प्लस 1102 नहीं 1170 नहीं है 1710 होगा 1710 ऐसी हो जाती है मिस्टेक 1710 3570 कितना पैसा मुझे डेटर से अभी और लेना है दोस्तों 1710 प्लस 840 प्लस 1020 ठीक है मैच कर लिया, ठीक है दोस्तों, तो एक तो कैलकुलेशन मिस्टेक थी और आप उसको ठीक कर लीजिएगा, ठीक है, कौन सा मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बस कि भाई मैंने कौन सा गलत पढ़ा दिया गलती से, वो नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक कर जाती है नॉर्मल होते कौन सा मिस्टेक नहीं मिलेगी आपको, कैलकुलेशन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। लो भाई क्वेश्चन आया आपको, अब एक को क्वेश्चन करें, एक क्वेश्चन और का टारगेट बनाया आज की क्लास में, क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 4, 3 ध्यान देना, ये हो चुका क्वेश्चन, बड़ा सिंपल था, अब देखो ये अलग क्वेश्चन, और ये भी बहुत सिंपल है, इधर आपके पास कितने लेटर है पी क्यू आर एस टी, पहले शुरू से पढ़ते हैं, शुरू में क्या कह रहा है, कहता है समराइज एनालाइज ऑफ द अकाउंट ऑफ अकाउंट आउटस्टैंडिंग डेटर ऑफ द फर्म, फर्म के पास कुछ आउटस्टैंडिंग डेटर होता है, वो कुछ डेटर है जिन्होंने पैसे देना है, एट द डेट ऑफ एनुअल क्लोजिंग ऑफ द अमाउंट, डेटर आपको दे रहे हैं पी क्यू आर एस टी, 3000 2000 गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, इतने इतने गुड्स बेचे हैं इन सबको, इतने इतने गुड्स बेचे हैं, ठीक है, गुड्स रिटर्न, एक गुड्स इधर से रिटर्न हुआ, एक मिनट हाँ ऊपर नीचे तो नहीं हो गया, हाँ ऊपर नीचे होगा पक्का, पक्का ही अमाउंट ऊपर नीचे होगा, मैं इसको ठीक कर दूँगा। दोस्तों क्या होता है जब आपके पास वो डालना होता है ना बुक से कहीं से, आपके पास यहाँ से लिखना होता है कॉपी पेस्ट करना होता है तो ऊपर नीचे हो जाता है, देखो ये क्या है पहले तो इसको काटो सबको, सबको काट दिया मैंने, आपने अपनी बुक में देख लेते हैं एक बार आपको बदल जाएगा, क्या यहाँ पर है 1500 रुपये, यहाँ पर है 1000 रुपये, यहाँ पर 1500, यहाँ पर 1000, यहाँ पर मुझे और यहाँ पर 500, मतलब क्या है ये 50 दिख रहे थे आपको, मतलब ये आपके पास क्यू का 500 है, ऐसे 1000 रुपये 1000 रिटर्न करे उसमें 1500 रिटर्न करे, अभी बिल्कुल ठीक अमाउंट, ये देखो ये भी ऊपर चाहिए जी नीचे आ गई, जबकि ये इधर का है और ये इसका है, इसको भी काट देते हैं, इसका 500 रुपये है, आपके पास तो बुक है अब चेंज कर लेना आप, अगर नहीं यार पहले से है तो बढ़िया है, पहले से मैं कर दूंगा इसको ठीक, इसका 500 है और इसका 1000, आपको पहले से ठीक है तो वेलिंग बोल,
इसको भी चेंज कर लेते हैं, हजार इसका है, हजार इसका लास्ट वाला, ठीक है भाई, ये इसका ये इसका है, ये इसका ये इसका। करेक्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, बीआर से डेटर कम हो जाएंगे, पहले बता दो बीआर से डेटर कम हो जाएंगे, डिस्काउंट देने से डेटर कम हो जाएंगे, ठीक है, कैश रिसीव करने से डेटर कम हो जाएंगे, ठीक है, गुड्स रिटर्न करने से डेटर कम हो जाएंगे, ठीक है, पता है ना, और शेयर करने से डेटर बढ़ जाएंगे, शेयर करने से डेटर बढ़ जाएंगे, हो गया, डेटर को बढ़ाना, डेबिट कम करना, क्रेडिट सिंपल, बस क्या करना है, डेटर बैलेंस फॉर द ईयर एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर 4500 आउट ऑफ अबव रिसीव द बिल ऑफ 700 रुपए गिवन बाय एस वाज डिसोल्ड नोटिंग चार्ज अमाउंटिंग टू 20 रुपए। कह रहा 4500 रुपए डेटर्स की शुरुआत में लेना है, आपको बनाना है प्रिपेयर डेटर लेजर एस्टिमेट अकाउंट इन जनरल लेजर, इन जनरल एस्टिमेट अकाउंट इन डेटर लेजर, ये तो पहले ही होगा, पर पहले क्यों नहीं कराया मैंने, क्योंकि सर पहले एक बार बता देता कि टोटल करना होता है, एक क्वेश्चन समझा के मैं आपको बताया सभी का टोटल करके डालना पड़ता है डेटर लेजर एस्टिमेट अकाउंट में। यहाँ पर कह रहा है दो अकाउंट बनाएंगे, एक डेटर लेजर एस्टिमेट अकाउंट बनाएंगे जनरल लेजर के अंदर, एक जनरल लेजर एस्टिमेट अकाउंट बनाएंगे डेटर लेजर के अंदर, बहुत ही सिंपल अकाउंटिंग लगती है मुझे इस बैलेंस लेजर की, जबकि सबसे आसान चैप्टर है इन जर्नल लेजर, मुझे तो एक ही बनाना है मेनली, दूसरा बनाना, दूसरा तो अपने आप कॉपी हो जाएगा, एक का आंसर निकालो दूसरा इधर से इधर ट्रांसफर होगा अपने आप कॉपी हो जाएगा सारा, इन जनरल लेजर डेटर लेजर एस्टिमेट अकाउंट, डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, आप दूसरा वाला आप बनाओगे या का बनाऊंगा, दूसरा वाला आप बनाओगे अपने आप कॉपी करना है, बताऊंगा कुछ नहीं करना, लो भाई तो यहां से मैं इसकी लाइन कर देता हूँ, तो किसका आगे वाले आते हैं, डेट का कॉलम हो गया, फिर पर्टिकुलर्स का कॉलम हो गया, फिर उसको अमाउंट का कॉलम हो गया, फिर भाई अमाउंट के बाद फिर हो गया डेट का कॉलम, फिर भाई ठीक है, चलो भाई एक लाइन ऐसे ही लिखा देते हैं, सर डेट पर्टिकुलर, जब भी आपको बोले ना कि जनरल लेजर में डेटा लेजर बनाओ और डेटा लेजर में जनरल लेजर बनाओ, तो हमेशा पहले जनरल लेजर में डेटा लेजर बनाना, क्योंकि वहां पर समझ में आता है कि डेटा को बढ़ाना डेबिट कम बनाओ, ये बनाना सबसे पहले डेटा लेजर एस्टिमेट अकाउंट, इसको बढ़ाओगे तो डेबिट, कम करोगे तो क्रेडिट, और इसका अपोजिट करो पॉजिटिव होगी वो बन जाएगा, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, सबसे पहले क्या लिखेंगे टू बैलेंस बिल, सबसे पहले क्या लिखेंगे दोस्तों टू बैलेंस बिल, पर बैलेंस बिल में यहाँ पर एक ट्विस्ट था, पर कब था बैलेंस बीडी ये भी देख लेते हैं, कह रहा है बैलेंस बीडी डेट तो मेरे को गिवन नहीं है, ओके डेट सारी गिवन है कुछ नहीं, डेट इस चैप्टर किस क्वेश्चन के अंदर गिवन ही नहीं, ठीक है तो यहाँ पर छोड़ देंगे, यहाँ लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस, क्या लिखेंगे भाई ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस ठीक है सर, कितना क्या है बताना जरा सर, ये था जो ओपनिंग बैलेंस था 4500 होगा, तो पहले तो 4500 लिख दो बाद में देखेंगे, 4500 बाद में देखेंगे क्या नोटिंग चार्जेस था क्या डिस्काउंट होगा, ठीक है ओपनिंग बैलेंस 4500, सर आपने ये देखा कि यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस था डेबिट साइड पे, कैसा वाला ओपनिंग बैलेंस है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हमने ना तो कभी डेटर से एडवांस लिया होगा और ना ही हमने डेटर से एक्सेस पेमेंट ली होगी, या फिर ना ही हमने डेटर से कुछ करा होगा जिससे हमें उसको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है तो वो नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर। इसके बाद हेडिंग क्या है, डेटा लेजर में क्या हेडिंग होती है, जनरल लेजर एस्टिमेट अकाउंट, क्या होती है टू जनरल लेजर एस्टिमेट अकाउंट, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, यहाँ कर देगी बाय जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है हैंडिंग करने के बाद क्या करेंगे आप सेल रिकॉर्ड करेंगे, पहले बता दिया बताओ, इन सब का टोटल करते हैं, एक मिनट, इन सब का टोटल कर लेते हैं, इकट्ठा लिख देंगे ना, अलग अलग थोड़ा लिखेंगे इकट्ठा, 3000 प्लस 2000 कैलकुलेशन मिस्टेक की गड़बड़ हुआ, 5000 प्लस 10000 और प्लस 12000 ये आगे 32000 42000, इसका टोटल कर लेते हैं 500 प्लस 1000 प्लस 1500 आपको 3000 आ गया, इसका टोटल कर लो 2000 प्लस 1000 प्लस 3000 प्लस 6000 और प्लस 8000 यानी 20000 हो गया, इसका टोटल कर लो 500 1000 पर तो 2000 हो गया, इसका टोटल 1000 2000 हो गया, अब इनके हेडसेट डाल देना बताओ टोटल सेल कितनी हुई है तीनों डेटर 500 डेटर को 32000 सेल करने से क्या होगा डेटर बढ़ जाएंगे, सर ये कैसे है,
सर नाम सेल करिए, इसको बीच इसको बीच इसको बीच इसको बीच इसको बीच इसका मतलब क्या है, मतलब क्रेडिट सेल है दोस्तों। और मेनली क्वेश्चन के अंदर मेनली जो टोटल सेल होगी वो क्रेडिट सेल ही होगी, टोटल मतलब टोटल आपके पास क्रेडिट सेल ज्यादातर देना होगी, कैसे कम कैसे तो आती नहीं है, वो देखे भी क्या करेगा उसको, और सेल होगी जरूर। तो मतलब सेल करने से क्या हुआ, डेटर बढ़ जाएगी, ठीक है सर। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सेल करने से डेटर बढ़ जाते हैं, मैंने यहाँ पर सेल लिख दिया, ठीक है। और कितने की सेल हुई, 32,000 रुपये टोटल करके 32,000, और बाकी से डेटर कम हो जाते हैं। मैंने कहा गुड्स रिटर्न, मैंने कहा रिटर्न इनवर्ड हो गया, रिटर्न इनवर्ड से डेटर कम हो जाते हैं। फिर क्या होता है, रिटर्न इनवर्ड के बाद कैश रिसीव्ड हुआ 3,000 और 20,000, रिटर्न इनवर्ड हुआ 3,000 का, कैश रिसीव्ड हुआ 20,000 रुपये का, सबसे सिंपल क्वेश्चन अभी तक का 20,000 रुपये, एक एंक्रीमेंट उसने बस बाकी कुछ नहीं। डिस्काउंट अलाउ करा है 2,000 रुपए का, डिस्काउंट अलाउ कर दिया 2,000 रुपए का। फिर बिल ऑफ एक्सचेंज हमें एक्सेप्ट कराओ, जब भी बी आर एक्सेप्ट करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, जब हम बी आर एक्सेप्ट करते हैं तो हमारे पास क्या होगा दोस्त, बी आर रिसीव, हमारा डेटर कम हो जाते हैं दोस्तों, हमारे डेटर कम हो जाते हैं, अकाउंट लेते हैं बी आर रिसीव 2,000 रुपए के बीआर से हो गया खत्म हो गया। 4,500 रुपए जो देने थे सात के शुरू में, आउट ऑफ अबव रिसीव, आउट ऑफ अबव, अच्छा ये अलग चीज है, आउट ऑफ ये अलग चीज है दोस्तों, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है दोस्तों, ये अलग चीज है, यहाँ देखना ये अलग चीज है, यहाँ तक अलग है, यहाँ से है क्या, आउट ऑफ अबव रिसीव्ड ऑफ बिल, जो बीआर ऊपर आए थे, ध्यान से सुनना, जो बीआर ऊपर मिले थे रिसीव हुआ था 2,000 रुपए, ये बीआर क्या होगा 700 रुपए के गिवन, जो एक बीआर जिसमें से देखो यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ, 2,000 के बीआर आए, 2,000 के बीआर में से 1% था एस, जिसमें उसमें से 700 के बीआर दिए थे हमें। मैंने कहा ठीक है सर, क्या बात हुई, क्या वर्किंग नोट बना लो, मान लो कि मेरे बीआर टोटल कितना रिसीव हुआ, बीआर टोटल 2,000 रुपए का था, इसके दो टुकड़े कर दो आप, एक था एस पर्सन और एक था अदर्स पर्सन, अदर पर्सन बहुत सारे हो सकते हैं, अदर पर्सन लिख रहा हूँ, पर्सन बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब इनका नाम नहीं बताया, नाम एक बताया कि एस पर्सन था जिसको हमने 700 रुपए का बिल रिसीव करा था एस से, और एस की एस को डेटर कम कर देता। मैंने कहा था जब हम डेटर लेजर बनाएंगे यहाँ एक डेटर की बात नहीं होगी, यहाँ टोटल डेटर की बात होगी, तो बहुत सारे डेटर हो सकते हैं। तो 2,000 में से मान लेते हैं कि 2,000 में से 4-5 डेटर होंगे जिसमें एक बंदा था 700 रुपए देने थे जिसने, उसने हमें बीआर दे दिया। अब इसने क्या करा, इसने इसका बीआर क्या होगा डिसऑनर हो गया, इसका बीआर क्या होगा डिसऑनर। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों बताओ, मैं क्या करूंगा, जब बीआर डिसऑनर हो जाता है तो मैं उसको डेटर दोबारा क्रिएट कर देता हूँ, पर ध्यान दो यहाँ पर नोटिंग चार्जेस भी है, बिलो बच्चे पढ़ा था आपने नोटिंग चार्जेस, अगर बिल डिसऑनर हो जाता है और हम नोटरी पब्लिक के पास जाकर उससे क्या करते हैं अटैचमेंट करा के उससे बोलते हैं कि सर हमारा पैसा वापस दिला दो, तो वो नोटिंग चार्जेस लगाते हैं, वहां पर स्टैंप वगैरह की फीस देता है थोड़ी बहुत, तो वो नोटिंग चार्जेस हम किससे मांगते हैं, फिर वो नोटिंग चार्जेस हम उसी पर्सन से मांगते हैं जिसने डिसऑनर करा। तो मतलब एस ने 700 रुपए देने थे, उसने 700 रुपए इस 2,000 रुपए में से एस ने कितने देने थे 700, उसने हमें 700 का बीआर दे दिया, इस 2,000 रुपए में एस ने कितने देने थे 700 रुपए देने थे, उस 2,000 के बिल में से एस के 700 का बिल है जो डिसऑनर हो गया, और हमने नोटिंग चार्जेस भी पे करे, कितने रुपए के भाई नोटिंग चार्जेस पे करे, नोटिंग चार्जेस 20 रुपए के हमें पे करने पड़े। तो अब मैं एस से कितने पैसे लूंगा, अब मैं एस से 700 तो लूंगा बिल के, और 20 रुपए लूंगा नोटिंग चार्जेस, टोटल 720 रुपए लूंगा दोस्तों। और जैसे ही मैं 720 रुपए लूंगा तो मैं दोनों अमाउंट को क्या कर दूंगा, दोनों अमाउंट को यहां से करूंगा, इससे डेटर दोबारा क्रिएट कर दूंगा, डिसऑनर से डेटर बढ़ जाता है ना, जब बीआर से करते हो डेटर क्यों हो जाता है, अब जब डिसऑनर होगा तो डेटर बढ़ गया, पर एक बार 700 से डेटर नहीं बढ़ेगा, 720 से डेटर बढ़ेगा। तो क्या लिखूंगा, बीआर डिसऑनर, बीआर डिसऑनर इंक्लूडिंग नोटिंग चार्ज, ऐसे लिख देना इंक्लूडिंग नोटिंग, नोटिंग चार्ज इंक्लूड करके आई 720 रुपए आया, समझ में क्लियर है या नहीं। तो ऊपर जो बिल रिसीव्ड हुए थे हमें उसमें से 1% था एस, जिसने 700 का बिल हमें दिया था, हमने उसको एस से 700 से कम कर दिया था, अब वो 700 का बिल डिसऑनर हो गया है और उसमें मैं नोटिंग चार्ज पे करा, तो अब मैं उससे 700 बिल लूंगा और 20 रुपए नोटिंग चार्ज के बिल लूंगा, क्लियर है नहीं है। लो भाई इसका टोटल का तो आंसर है, और यहां लिख देंगे बाय बैलेंस, यहां लिख देंगे बाय बैलेंस 37,220 में माइनस करेंगे पहले 3,000, माइनस करेंगे पहले 20,000, माइनस करेंगे 2,000, और माइनस करेंगे फिर 2,000, यहां पे 10,220 यहां लिख देंगे टू बैलेंस,
10,220। और यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ आपके पास ये हो गया क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, और ये हो गया ओपनिंग बैलेंस। नेक्स्ट ईयर का, नेक्स्ट महीने का हो सकता है या नेक्स्ट ईयर का भी हो सकता है, खत्म। अब क्या करोगे आप, अब आप क्या करोगे, जब आप बनाओगे तो मान लो यहाँ पर आपने इन डेटा लेटर बनाया, आपने जनरल लेटर अकाउंट बनाया, तो यहाँ पर सबसे पहले बैलेंस बिटी आप यहाँ लिखोगे, ठीक है। और यहाँ पर लिखो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में क्या आता है वर्ड टू डेटा लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट और बाय डेटा लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। जैसे ये लिख दिया बस डेबिट साइड कैशियर को उठाया सारा का सारा कॉपी पेस्ट डेबिट साइड में यहाँ पर, और डेबिट साइड को उठाकर सारा का सारा कैशियर को कॉपी, वो बैलेंस की बैलेंस मिल जाएगा, ये तो आप कर लो होमवर्क, ठीक है। बस आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं, और हमने आपको एक होमवर्क दिया है। हाँ देखो मैं वापस क्वेश्चन मिस्टेक नहीं करूंगा, बहुत आराम से करा, क्योंकि देखो जल्दीबाजी में क्या होता है कभी कभी कोर्स कंप्लीट कराना होता है और उसके अंदर हमें थोड़ा जल्दीबाजी करनी पड़ती है, ठीक है। बाकी समझ में आ रहा आपको सेल बैलेंस लेते हैं बढ़िया से, सब बढ़िया से, एक बार आने दो पेपर के अंदर आठ के आठ नंबर आएंगे, कहीं नहीं जाएगा क्वेश्चन, ये ऐसे ही होता है दोस्तों। जब हम सेल बैलेंसिंग पूरा पढ़ लेंगे ना, जब बड़े क्वेश्चन भी कर लेंगे मिक्सअप, अगले क्लास में क्या कराने वाला हूँ, क्रेडिटर का कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, जो क्रेडिटर का फॉर्मेट बनाया था ना उसको फिलअप कराऊंगा मैं, ठीक है। तो अगले क्लास में क्रेडिटर का फॉर्मेट जो है फिलअप कराऊंगा, कुछ नहीं है क्रेडिटर के अंदर, एक ही बात लॉजिक है, जिस चीज से क्रेडिटर बढ़ जाए वो क्रेडिट कर देना, और जिस चीज से क्रेडिटर कम हो जाए वो डेबिट कर देना, बस कुछ नहीं है, बस ये करना है, बस थोड़ी एडजस्टमेंट है। जैसे कैश पे करा क्रेडिटर को तो क्रेडिटर कम होकर डेबिट कर देंगे, कैश परचेज करा तो क्रेडिटर बढ़ जाएंगे क्रेडिट कर देंगे, यही है। अगर मैं इसको फॉर्मेट भी बनाऊंगा तब भी आपको क्वेश्चन काम कर लोगे आप, बट क्यों ना पहले एक बार फॉर्मेट डिस्कस करा जाए फिर क्वेश्चन डिस्कस कराए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विद फॉर्मेट विद क्वेश्चन, ठीक है, ऑफ द करेंगे। थैंक यू, आज क्लास में ट्राई करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।